हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के अपनी वीडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर्टार के बारे में। मोर्टार यानी कि जिसका यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ब्रिक मेसनरी कह लो या फिर स्टोन मेसनरी कह लो, जनरली तौर पर यूज किया जाता है। अगर मोर्टार की बात करें तो एक तरह का होमोजीनियस प्लास्टिक मिश्रण है जिसका यूज दो ब्रिक को कह लो या फिर दो स्टोन को कह लो यहाँ पर जॉइंट और चिपकाने के लिए किया जाता है। और इसका यूज प्लास्टर के तौर पर वॉल को एक अच्छी स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए और भी ऐसे वर्क जिसके अंदर हमें बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट्स के तौर पर इसका यूज करना हो वहां पर किया जाता है। अगर इसकी बनावट यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो इसके अंदर सीमेंट, सैंड, वाटर और एडमिक्सर का भी यूज किया जाता है। बट एडमिक्सर का यूज हम किसी एक्सपर्ट या फिर किसी एडवाइजर यानी कि जो एज अ सिविल इंजीनियर हो जिसको इस फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एडमिक्सर हमारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम फुल भी बना सकता है या फिर उसकी जितनी हमें स्ट्रेंथ डिजायर है उतनी स्ट्रेंथ ना भी मिल सके। हमारा यहाँ पर कह लो इकोनॉमिकल फैक्टर भी यहाँ पर हमारा इफेक्ट कर सकता है अगर हम ज्यादा एडमिक्सर्स का यूज करें, क्योंकि वो महंगा आता है जिसके हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। अब आगे की ओर देखें तो और भी ऐसे कुछ मटीरियल्स हैं जो इसके अंदर रिप्लेसमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि सीमेंट की जगह पर लाइम का यूज किया जाता है, सैंड की जगह पर सुर्खी का यूज किया जाता है और इनकी प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से इनको बनाया जाता है। अब बात आती है सुर्खी की, क्योंकि हम सारे डिटेल्स वाइज देखें तो सीमेंट क्या होता है थोड़ा बहुत हमें नॉलेज पता है, जनरली तौर पर शॉप्स वगैरह पर मिलते हैं, सैंड क्या होता है हमें पता है, वाटर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सुर्खी हमारा यहाँ पर नया वर्ड निकलता है, सुर्खी एक तरह से देखें तो बनता कैसे है उसकी प्रोसेस को समझे। जब हम यहाँ पर क्ले ब्रिक को बनाते हैं यानी कि जो भी हमारी मिट्टी की ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती है, तो उसके दौरान जब हम ब्रिक को पकाने के लिए भट्टी में डालते हैं तो अनबर्न ब्रिक यानी कि जिस ब्रिक को हमने यहाँ पर सुखा करके पकाने के लिए डाला है वो पूरी तरह से ना पका हो और यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत पका भी हो, यानी कि मिडिल ऑफ फॉर्म यहाँ पर जिस तरह से वो पक करके निकले, जिसका यूज हम ब्रिक वर्क के लिए नहीं लेकिन उसको तोड़ करके उसके पाउडर फॉर्म को हम एज अ सब्स्टिट्यूट कह लो या फिर एज अ रिप्लेसमेंट सेंड की जगह पर हम सुर्खी के तौर पर कर सकते हैं, यानी कि उस पाउडर फॉर्म को हम सुर्खी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों और भी इसके बारे में डिटेल में जानने की, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर टाइप्स वगैरह निकल करके आती है और जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसके अंदर इसकी वेराइटीज ऑफ फॉर्म देखने को मिलती है, इसकी प्रपोजल्स देखने को मिलती है, जिसके कारण आप सीख सकते हो कि आपको कितना और कौन से प्रपोजल्स का मटीरियल यूज करना चाहिए ब्रिक मेसनरी में, ताकि आप इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर इकोनॉमिकल आप अपने घर को अच्छी तरह से एक बेटर क्वालिटी का बना पाओ। बात करते हैं इनके टाइप्स वगैरह की, तो जो यहाँ पर हमारा पहला टाइप निकल करके आता है, पहला आता है दोस्तों सीमेंट मोर्टार, दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर लाइम मोर्टार, तीसरा आता है गेज मोर्टार जिसके अंदर हम यहाँ पर सीमेंट और लाइम का मिश्रण लेते हैं, और चौथा आता है दोस्तों यहाँ पर सुर्खी मोर्टार। बात करते हैं पहले टाइप की जिसे कहा जाता है सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार की बात करें तो बेसिकली सीमेंट क्या है, एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है और इसके साथ हम सैंड और वाटर का मिक्सचर करके एक पेस्ट नुमा आकार तैयार करते हैं और जिसका यूज हम मेसनरी वर्क में इजीली तौर पर करते हैं। और इनकी रेशियो यानी कि इनकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो 1:2 से लेकर के 1:7 तक रेशियो ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ, यानी कि जो इसकी कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ है उसके बिहाव पर इसका यहां पर रेशियो लिया जाता है। अब कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ क्यों देख रहे हैं मोर्टार में, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात करें तो जिस तरह से हम यहाँ पर ब्रिक वर्क करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल वॉल यहाँ पर उसकी थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, इंटरनल वॉल की थिकनेस कम रखते हैं, पार्टीशन वॉल की और भी कम रखते हैं, क्योंकि हमें भी पता रहता है कुछ अमाउंट ऑफ लोड्स की बात कर लो जो यहाँ पर वॉल्स वगैरह लेने वाली है वो डिपेंडिंग ऑन उनकी थिकनेस उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर ही देना होता है। तो जो एक्सटर्नल वॉल है वो तो बेसिकली कुछ ना कुछ लोड तो बेयर करेगी क्योंकि थिकनेस भी ज़्यादा रहता है, और आउटर वॉल है तो उसके भी यहाँ पर उसका जो यहाँ पर प्रपोजन है वो 1:5 रखा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रपोजन बता रहा है हमें 1:5, 1 होता है हमारा एक बैच सीमेंट और इसके बाद 5 होता है यानी कि 5 तगारा या फिर 5 बैच हमारा यहाँ पर सैंड। तो ये इसकी प्रपोजन हुई, जितना यहाँ पर प्रपोजन में दिया होगा हम यहाँ पर वेरी करेंगे उसके आधार पर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसके अंदर सीमेंट, सैंड, वाटर और एडमिक्सचर का प्रपोजन दिया जाता है, तो हमारा 1 होगा सीमेंट और इसके बाद आएगा सैंड, सैंड हमारा कितना है 5 है, तो अगर हम इन दोनों का प्रपोजन लेते हैं तो इसका कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ निकल करके आता है अबव द 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का ट्राई करें, ये कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ मैंने हर बार बताया है, मैं आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा। जरा यहाँ पर हम देखने का ट्राई करें तो कुछ इस तरह से सरफेस लेते हैं, मान के चलिए अब ये फिलहाल थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा बट 1 mm लंबा और 1 mm चौड़ा अगर सरफेस हो, अगर उसका हम यहाँ पर निकाले एरिया तो क्या होगा, स्क्वायर में ही जाएगा, इसीलिए mm स्क्वायर लास्ट में जो इसकी यहाँ पर यूनिट लगती है वो रहती है। अब इसके ऊपर हम लोड देने का ट्राई करें
जो ये लोड बेयर करेगा यानी कि जो ये लोड सह सकता है वो बेसिकली 5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा सह पाएगा। कौन सा? इसका 1 mm चौड़ा और 1 mm लंबा जो एरिया है उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे और जिस प्रपोजल्स के हिसाब से इस्तेमाल करके हमने मसाला बनाया यानी कि 1 gm 5 के हिसाब से वो ये इतना लोड बेयर कर पाएगा। अब इसके बाद इंटरनल वॉल की बात करें, इंटरनल वॉल हमारा यहाँ पर 1 gm 6 के रेशियो में रहता है जो बेसिकली 3 से 5 न्यूटन के बीच में यहाँ पर स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। और इसके बाद हमारा पार्टीशन वॉल कह लो, पैरापेट वॉल कह लो, वो हमारा जनरली तौर पर 1 न्यूटन से 2 न्यूटन या फिर 3 न्यूटन के बीच में वेरी करता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलती। तो ये इस तरह से कुछ इसके प्रपोजल्स वगैरह देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, और हम इस तरह से कुछ इसके मसाला वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे अगर आपको वॉल वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है तो आप इस रेशियो के हिसाब से चल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों दूसरे टाइप्स की, हमारा आता है लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार की बात करें तो यह एक तरह से देखें तो रिप्लेसमेंट्स ऑफ सीमेंट है, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं सीमेंट की जगह पर लाइम का। और लाइम लेने का मकसद, इसके अंदर दो वेरायटी देखने को मिलती है, वो है दोस्तों यहाँ पर फैट लाइम और दूसरा आता है हाइड्रोलिक लाइम। फैट लाइम की बात करें तो इसका ज़्यादातर यूज मेसनरी वर्क में किया जाता है, और इसके बाद आता है हाइड्रोलिक लाइम जिसका जनरली तौर पर फाउंडेशन और इसके बाद DPC यानी कि डैम्प्रूफ कोर्स में किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, इसका रेशियो यानी कि 1:2 का रखा जाता है। बेसिकली इसके अंदर स्ट्रेंथ वगैरह कम पाई जाती है, इसलिए सीमेंट के मुकाबले में इसमें सैंड की जो वैरायटी है वो कम डाली जाती है, क्योंकि सीमेंट की जगह पे सैंड की क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा तो बाइंड अच्छे से नहीं करेगा, मिक्स नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 की जगह पर 2 ही ले रहे हैं सैंड, इसमें क्वांटिटी ऑफ सैंड ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है गेज मोटार। गेज मोटार की बात करें तो यह मिक्सिंग ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ कॉम्पोनेंट्स की है। बेसिकली इसके अंदर हम सीमेंट और इसके बाद लाइम दोनों को मिक्स करते हैं सैंड के साथ और एक मोटार नया क्रिएट करते हैं जिसका एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है, जो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हम 1 gm सीमेंट ले रहे हैं तो 1 gm लाइन भी होगा, और जितनी क्वांटिटी ऑफ सैंड ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, यानी कि मान के चलते हैं 5 का प्रपोजन है 6 का प्रपोजन है, वो वैरायटी ऑफ मेंटेन हम करते रहेंगे। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, मैं सभी का प्रपोजन आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, हर एक स्ट्रक्चर के लिए कितना कितना लेने वाले हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है सुर्खी लाइम। सुर्खी लाइम की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से इसके अंदर लाइम और सुर्खी का मिक्सचर लिया जाता है। लाइम और सुर्खी का मिक्सचर कह लो या फिर सीमेंट सुर्खी का मिक्सचर कह लो, यह एक तरह से सब्स्टिट्यूट है सैंड का, सैंड की जगह पर रिप्लेसमेंट कह सकते हो, यानी कि बदलाव है, या फिर इसको सैंड के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सैंड को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे, पूरी तरह से चेंज कर देंगे और इसके बाद इसका यूज करेंगे, करते भी हैं, बट इन दोनों का मिश्रण भी इसके साथ किया जाता है। इससे क्या रहता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है और इससे अच्छी खासी स्ट्रेंथ में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो ऐसे कुछ मोटार्स के फंक्शंस देखने को मिलते हैं जिसके कारण इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पहला, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, हम जब यहाँ पर मोटार के लिए जब हम यहाँ पर ब्रिक मेसनरी करते हैं तो हम एक बेस एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमारा ब्रिक लेयर एक अच्छी तरह से क्रिएट हो पाए और यूनिफॉर्मली जो भी लोड्स वगैरह आने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा आता है, जब हम यहाँ पर प्लास्टर वर्क या फिर पॉइंटिंग वर्क करते हैं तब हम यहाँ पर मोटार का यूज करते हैं ताकि जो वॉल्स वगैरह में गैप वगैरह रह गई हो उसको फिलअप किया जा सके, एक स्मूथ एक अच्छा सरफेस एक टेक्सचर प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों अब हमारे यहाँ पर आता है चौथा, यानी कि जब हम यहाँ पर मैसिव वर्क ऑफ कॉन्क्रीट वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एग्रीगेट यानी कि जो स्टोन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से बाइंड कर सके, तो हम एज अ मोटार को बाइंडिंग प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करते हैं। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो कुछ मैंने यहाँ पर प्रपोजल्स वगैरह ले रखे हैं जिनकी हेल्प से आप यहाँ पर अपने वर्क वगैरह में ध्यान दे सकते हो। सपोज दैट अगर आप फाउंडेशन वर्क कर रहे हो या फिर प्लिंथ वर्क का यहाँ पर मेसनरी वर्क वगैरह कर रहे हो तो जो सीमेंट और सैंड का यहाँ पर प्रपोजल रहेगा वो 1 gm 6 का रहेगा, यानी कि 1 तगारा यहाँ पर सीमेंट रहेगा तो 6 तगारा यहाँ पर रेती रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर फाउंडेशन वर्क या फिर आपका जो सब सोइल्स के अंदर में वाटर कंटेंट है यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका 2.5 मीटर से बिलो या फिर उसके लेवल में हो तो आप वहाँ पर मेसनरी वर्क करते समय फाउंडेशन में उनका जो प्रोपोर्शनलिटी है लाइम का सैंड का कह लो या फिर लाइम सुर्खी का कह लो, लाइम सैंड की बात करें तो उनका जनरली तौर पर रहने वाला है 1 gm 2, अगर आप सुर्खी ले रहे हैं तो उसका भी सेम ही रहेगा क्योंकि सैंड की तरह पे क्या है सब्स्टिट्यूट ही है तो 1 gm 2 ले सकते हैं। अगर आप लाइम सैंड और सुर्खी तीनों ले रहे हैं तो तीनों की वेरायटी में आप 1 gm 1 gm 1 लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो सुर्खी है वो एज अ सैंड की तरह वर्क कर रहा है,
सेंड की तरह हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का वन जेम यहाँ पर एग्जैक्टली टू के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो अगर हम इसको सेंड की तरह पे अगर रिप्लेसमेंट ऑफ लाइम की जगह पर सीमेंट को लेते हैं तो 1:6 का रेशियो बनेगा, क्योंकि सीमेंट में ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, इसके कारण सेंड हम इसके अंदर ज़्यादा तौर पर ऐड कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आता है एज अ सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि अबाउ दी ग्राउंड लेवल जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसमें हम जो भी मैसनरी वर्क कह लो, जंतर वर्क कह लो, या फिर जो भी मोटार की हेल्प से हम यहाँ पर ब्रिक वर्क वगैरह कर रहे हैं उसकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, तो हमारा यहाँ पर अगर 1 से 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके अंदर हम यहाँ पर 1:8 का प्रपोजल ले सकते हैं, या फिर हमारा यहाँ पर लाइम सीमेंट लाइम और सेंड का प्रोपोर्शनलिटी है तो हम यहाँ पर 1:1:7 का ले सकते हैं 2 से 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए। अगर हमारा यहाँ पर 3 से 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो 1:1:6 की प्रोपोर्शनलिटी ले सकते हैं, या फिर अबाउ दी 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो हम यहाँ पर 1:1:6 की प्रोपोर्शनलिटी ले सकते हैं। कुछ इस तरह से वेराइटीज ऑफ फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात आती है प्लास्टर फॉर्म की। दोस्तों अगर हम यहाँ पर प्लास्टर वर्क की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी रहने वाली है, अगर ओनली फॉर हमारा यहाँ पर सीमेंट सेंड है तो हम यहाँ पर 1:6 का रेशियो ले सकते हैं, अगर सीमेंट के साथ लाइम को भी ऐड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर प्रपोजल रहने वाला है 1:1:6। बेसिकली इस तरह से कुछ इसकी प्रोपोर्शनलिटी रहने वाली है। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर सुर्खी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1:1:1 होना चाहिए, यानी कि 1:1:1 इस तरह से इसकी मिक्स प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। वही अगर पॉइंटिंग वगैरह की बात करें, जो पॉइंटिंग वर्क करते हैं फिलअप करना रहता है, जो भी पॉइंटिंग वर्क करते हैं या फिर ब्रिक वर्क में जो भी यहाँ पर खड्डे कह लो या फिर गड्ढे कह लो उसको फिलअप करना रहता है तो उसकी यहाँ पर रेशियो रहती है, अगर सीमेंट है तो 1:6 का या फिर 1:5 का, अगर यहाँ पर आपका लाइम है तो उसमें हम लेते हैं 1:2 का। तो इस तरह से वेराइटीज फॉर्म वगैरह देखने को मिलती है। अगर आपका पार्टीशन वॉल है तो उसके अंदर सीमेंट सेंड का रेशियो 1:3 का, और लाइन का सीमेंट के साथ लेंगे हम यहाँ पर 1:1 का या फिर 1:2 का। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी हमारा यानी कि रेशियो देखने को मिलता है मोटार के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।